Thank you. Love you all. I'm from Ladakh. Bye bye. Okay. So now we are moving on to the next session. अब हमारा जो अगला सेशन है वो है ई कंटेंट इवैल्यूएशन के ऊपर. हम कोई भी पार्ट आज मिस नहीं करेंगे, बस मिस इतना करेंगे कि उसको थोड़ा कंसाइज वे में क्लियर करेंगे और आपकी कोई भी डाउट है तो हम बाद में भी ले सकते हैं. जो भी हमारा टाइम थोड़ा सा टेक्निकल उसमें गया है वो हम उसे कवर अप कर पाए और जो हमें सीखना है वो भी दोनों चीजें हमारी बराबर चल पाए. अटेंडेंस आपके चैट बॉक्स में पोस्ट कर दी गई है, आप लोग प्लीज अटेंडेंस साथ साथ मार्क कर ले. और जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो है ई कंटेंट इवैल्यूएशन के ऊपर. जम्मू कश्मीर से मैसेज है, इंटरनेट डिस्ट्रप्शन इज अ नॉर्मल थिंग इन एरिया, देयरफॉर नॉट एन इशू. यस सर, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सपोर्ट मी सर. सो मूविंग अहेड डॉक्टर मोनिका, अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर हम अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के लिए तो आई विल बी देयर टू आंसर. ठीक है, आप ले लीजिए चैट में, अगर कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं तो ले लें, लेकिन कवर कर लें. कोई भी क्वेरी होगी तो हम लोग ग्रुप में भी एड्रेस कर सकते हैं या 15 मिनट्स का एक अलग सेशन कर सकते हैं किसी भी समय कल, राइट मैम, मेन सेशन शुरू होने से पहले. जी मैम, ठीक है मैम. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू मैम. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द स्क्रीन शेयर सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन. हो सकता है आपके लिए एकदम से हम दूसरी तरफ प्राची मैम की तरह, अगर प्रियाक्षी मैम का मतलब मैं समझी नहीं सर आप क्या कहना चाह रहे हैं. वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोग्राम तो वो तो सभी की अवेलेबल होगी बाद में, थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार मैंने जैसा कहा है करना पड़ेगा, आपको अवेलेबल हो जाएंगे. सो नाउ मूविंग ऑन, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन. Okay, so this is the we have to talk about now e-content evaluation. E-content evaluation, सबसे पहले अगर हम समझें तो होता क्या है, क्या हम समझते हैं e-content evaluation का मतलब क्या है, क्यों इसकी हमें जरूरत है कि एक e-content अगर एक टीचर ने बनाया है तो वो ठीक ही होगा, हमें क्या जरूरत है कि हम उसको evaluate करवाएं, और अगर इवेल्युएट करना है, ये नीड हमें समझ में आ गई है क्यों करना है ये हम जानते हैं, तो हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि उसका तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है, ये क्या मेथड है जो अडॉप्ट करके हम ई कंटेंट इवेल्युएशन कर सकते हैं. मैं फुल स्क्रीन कर दीजिए. जी सर, मैं बस वही कर रही थी, मुझे अभी अभी याद आया तो मैं कर रही हूँ. सो तो ये है कि अब क्यों हम ई कंटेंट इवैल्यूएशन करें, ये भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है. सो सबसे पहले जो हमारा, अगर एक सेकंड, मेरे को फुल स्क्रीन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. हाँ, सो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ई कंटेंट्स व्हिच नीड टू बी इवैल्यूएटेड, जिनको हमने इवैल्यूएट करना है उन ई कंटेंट से हम क्या समझते हैं, या प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ई कंटेंट से हम क्या समझते हैं, दोनों ही क्वेश्चन को हम समझेंगे. पहले तो ई कंटेंट क्या है जिनको हमने इवैल्यूएट करना है. अब आप बोले कि एक वीडियो है तभी हम इवैल्यूएट करेंगे, तो ऐसा नहीं है. वीडियो रिसोर्स ही केवल ई कंटेंट नहीं है. मेरे ख्याल से इन चार दिनों में हम ये तो समझ ही गए हैं कि क्या क्या ई कंटेंट हो सकता है. जैसे आप लोगों ने इन्फोग्राफिक बनाया, दैट इज एन ई कंटेंट. एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया, दैट इज एन ई कंटेंट. आपने उसके बाद हमने H5P बनाया, वो भी ई कंटेंट है. तो इस तरह से हमारे पास एक बड़ी लिस्ट है, एक बड़ा मैप है आपके सामने जो बता रहा है कि क्या क्या ई कंटेंट हो सकता है. अब सिंपली आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, नई वीडियो प्रोड्यूस किया, उसको आपने प्रॉपर फॉर्मेट करके टेक्स्ट की तरह डाल दिया, या हमारी किताबें जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है, वो भी जब हम ऑनलाइन डाल देते हैं, ई वर्जन में डालते हैं, दैट बिकम्स द ई कंटेंट. सो गेम्स हैं हमारी, जर्नल्स हैं, कुछ भी, जो भी काम हम, इवन आप एज एक टीचर एक PPT बनाते हैं, वो भी ई कंटेंट है. अब जब हमारे पुराने उसमें अगर हम देखें तो OHP यूज होती थी. OHP हम सब ने शायद BEd में तो डेफिनेटली देखी ही है, स्कूल में भी कुछ लोगों ने यूज की होगी, पर वो क्या था, ई कंटेंट नहीं था. पर अगर हम उस तरह के कंटेंट को जो हम
ओएचपी की मदद से प्रेजेंट करते थे उसको हम अगर ऑनलाइन ले आए, कंप्यूटर पे ले आए, ई फॉर्म में ले आए, तो वो भी हमारा एक ई कंटेंट बन जाएगा। कोई एनिमेशन, जिस आपने एनिमेशन बनाई है आज, स्टॉप मोशन एनिमेशन, और इन सेशंस के दौरान, जो अभी अभी एक सेशन हुआ, उस दौरान आपने कई तरह के शायद कॉन्टेंट्स देखे होंगे जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहे होंगे, वो सभी उदाहरण है ई कंटेंट के जो इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो पहले तो हमारी समझ ये होनी चाहिए कि हम किस चीज को इवैल्यूएट करेंगे। कभी कभी हम एक इमेज देख के बोल देंगे कि नहीं, ये एक ई कंटेंट नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उस इमेज में अगर हमने इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है कि वो हमें सामने वाला समझ सकता है, उससे कुछ पढ़ सकता है, दैट बिकम्स एन ई कंटेंट। यशपाल सर अभी ऑगमेंटेड रियलिटी की, वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे थे, जब सेशन क्लोज हुआ हम सभी ने सुना, वो तो कितना बड़ा ई कंटेंट है। सुबह आयुष जी ने बात की थी, जो उन्होंने डायनासोर वाला एक वीडियो प्ले करके दिखाया था, मतलब व्हाट अ मेस्मराइजिंग ई कंटेंट दैट वाज। या वो फ्लिप बुक थी, वो बुक आपने वो बुक बनाई, किसी ने ड्राइंग करके इतनी खूबसूरत बुक बनाई, पर उसका एक वीडियो बनते ही क्या बन गया, ई कंटेंट। तो इन सभी को इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो यहाँ हमारी समझ डेवलप होती है कि क्या क्या ई कंटेंट हो सकता है जिसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। दूसरा है कि अब हमें पता चल गया ये कंटेंट इवैल्यूएट किया जा सकता है, अब हम इसे इवैल्यूएट करें क्यों, जरूरत क्या है इसकी, क्योंकि जब तक हमारे क्यों का जवाब नहीं मिलता ना, हम वो काम नहीं करेंगे। अब मुझे जब तक ये नहीं पता कि मैं 5 सेशन करवाना चाहती हूँ पैरेलली, क्योंकि मेरे पास अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, तो मैंने उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया और मैंने ये ब्रेकआउट रूम की ऑप्शन बनी। ये ब्रेकआउट रूम तभी बना होगा ना जब उनके माइंड में ये समझ आया होगा कि इसकी नीड है, नीड क्या है, कैसे यूज होगा, तभी तो जूम पे ब्रेकआउट रूम बना, नहीं तो कैसे बनता। तो जरूरत ही किसी चीज की जननी है, हम लोग कहते भी हैं, तो ये वही वाली चीज है। तो अब असेसमेंट या इवैल्यूएशन ऑफ ई कंटेंट में हम लोगों को क्या देखना है, क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है उसकी, वो है सबसे पहले रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये दो टर्म्स काफी लोग जानते होंगे, कुछ को थोड़ी सी शायद अनजाने लगे। रिलायबिलिटी तो मतलब ये है कि जो हम उस कंटेंट की मदद से पढ़ाना चाह रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कभी कभी हम लोग पढ़ा कुछ रहे होते, पहुंच कुछ और रहा होता है, तो उसमें एक मैच होना चाहिए। वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी ये है कि कंटेंट एक्यूरेट है, सही है, एंड ऑल्सो अपडेटेड है। सिर्फ एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट तो कंटेंट ये भी मान लीजिए था कि कितने प्लैनेट्स होते हैं, पर जब वो बदली इंफॉर्मेशन तो उस इंफॉर्मेशन को अपडेट भी किया गया उसी रिसोर्स में, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप उसे रिलेटर ऑन इवेल्युएट करें। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इस तरह से हमारी काम करती है। दूसरा है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट। अप्रोप्रिएटनेस किस तरीके से होगी, उसके 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले उसका नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। अब ये हम जानते हैं, ये सब, ये आई थिंक ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो जितने वर्ड्स हैं, एज अ टीचर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अवेलेबल टेक्नोलॉजी क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है लर्नर का। अगर लर्नर मान लीजिए मैं लद्दाख के बच्चे को पढ़ाने जा रही हूँ कोई चीज, और मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ किसी बीच के, उसका क्या वो समझ पाएगा, शायद समझ ले, पर क्या वो रिलेट कर पाएगा उससे, नहीं। तो मुझे क्या करना है, मैं उनको पढ़ा रही हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि मैं उनके लोकल एग्जाम्पल्स लूँ। जैसे मैं आपसे आज बात कर रही हूँ तो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, नेक्स्ट फेज में मेरे पास सारे इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स हैं तो मुझे वहां पे अंग्रेजी में बात करनी होगी, या यहाँ पे मैं मिक्स लैंग्वेज यूज कर रही हूँ वहां मुझे कंफर्म इंग्लिश यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग हिंदी शायद नहीं समझ पाएंगे। ये कॉन्टेक्स्ट है। मेथड मेरा क्या है, डिपेंड करता है उस रिसोर्स पे, मेरे लर्नर की एज पे और मेरे लर्नर के बैकग्राउंड पे। मेथड ऑफ टीचिंग भी इस पे डिसाइड होगा। अवेलेबल टेक्नोलॉजी, मान लीजिए आपने बहुत अच्छा एआर का कॉन्टेंट बनाया, चाहे आज वो आप कोई भी रेफरेंस ले लीजिए जो आपको यशपाल सर ने दिखाए या सुबह आयुष सर ने दिखाए, पर अगर वो कंटेंट जब आप स्कूल में लेके अच्छा, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, कौन है
तो जब आप उसको लेकर के गए कंटेंट को, वहां पे अगर कोई स्क्रीन ही नहीं है, मान लीजिए आईपैड चाहिए या ऐप चाहिए, वो है ही नहीं फैसिलिटी, तो क्या ऐसे कंटेंट का आप यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें अवेलेबल टेक्नोलॉजी भी पता होनी चाहिए। आपने बढ़िया सब कुछ बनाया, स्कूल में गए, हमारी तरह आज जैसे हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो ये जो है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंटेंट, इसी से हमारी डिफाइन होती है कि हम एक लर्नर को ध्यान में रख करके, उसकी एज ग्रुप को ध्यान में रख करके, कंटेंट को ध्यान में रख करके, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में, चाहे सिंपल ब्लैक बोर्ड ही क्यों ना हो, वो भी एक टेक्नोलॉजी का काम करेगा, पर वो अवेलेबल हो तभी वो कंटेंट यूज हो पाएगा। सो दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट विच नीड टू बी इवेल्युएटेड। नाउ द थर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की कि एनिमेशन बनानी है जी, तो एनिमेशन के सॉफ्टवेयर इतने महंगे कैसे बनाएंगे आप? मान लीजिए आपको एक लाइसेंस मिल भी गया स्टेट में, तो सारे टीचर्स उस पर काम नहीं कर सकते, वो इतने लोग सब खरीद भी नहीं सकते, तो कैसे बनाएंगे? तो हमें ऐसे तरीके ढूंढने जो कॉस्ट इफेक्टिव हों। जैसे हम लोग जो ये वर्कशॉप कर रहे हैं उसका एम क्या है कि आपको फ्रीबीज या जितनी पॉसिबिलिटी हो ओपन सोर्स से अवगत कराया जाए, उनको आप यूज करें ताकि हमारी कॉस्ट भी कंसिडरेशन में रहे। ये तो हम घर में भी एग्जांपल लेते हैं, घर पे गेस्ट आ रहे हैं, हमें पार्टी करनी है, तो हम पहले एक अमाउंट डिसाइड करते हैं उसके लिए कि हम कितना एक्सपेंड करें। अगर हम उतना स्पेंड कर सकते हैं तभी हम उतना बड़ा वो करेंगे ना, जितना जो हम कहते हैं जितनी चादर है उतना ही पैर पसारी है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है, हमारा राज्य, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में पढ़ने वाले बच्चों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो उन तक वो सारे रिसोर्सेज पहुंचे, उसके लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, कॉस्ट इफेक्टिव कंटेंट बनाना। ऐसा नहीं कि हमने कंटेंट तो बहुत अच्छा बनाया और बहुत महंगा, पर उतने में ही सारा पैसा खर्च हो गया, तो उससे अच्छा है कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढे कि उसी में हम नंबर ऑफ कॉन्टेंट बना सकें, एक नहीं मे बी 100 बना पाए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग। ये मुझे लगता है अब इस OER के कोर्स के बाद सभी को पता है कि अगर वो ओपन सोर्स नहीं है या पब्लिक डोमेन में नहीं है तो उस चीज को आप रीयूज नहीं कर सकते। तो आप अपने कंटेंट में कोई ऐसी चीज ना डालें। दूसरा, जो आप बनाएं वो खुद बनाएं और उसकी लाइसेंसिंग खुद बताएं। ये तीनों चीजें मैटर करती। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छा रिसोर्स बनाया, हमारे पास भेजा CIT में कि जी अपलोड कर दीजिए मेरे नाम से। हम भी बड़े खुश कि बहुत अच्छा रिसोर्स मिला। जब चेक करने लगे तो एक इमेज आई, हमने पूछा इसका रेफरेंस बताइए, रेफरेंस कॉपीराइट, आपका पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्टेड। तो लाइसेंसिंग को हम चेक करेंगे, वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, पब्लिक यूज के लिए बनी ही नहीं है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। नाउ हमने दो क्वेश्चन आंसर किए, कौन से ई कॉन्टेंट है जिनको इवेल्युएट किया जा सकता है, दूसरा था क्या जरूरत है इन ई कंटेंट को इवेलुएट करने की, वो हमने समझा। अब तीसरा है कैसे करें, वो मेथड क्या है, वो तरीका क्या है जिसे हम इस्तेमाल करके किसी भी ई कंटेंट को इवेलुएट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ 5-6 चीजें निकल के आती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा कि हाँ ये तरीका है, इसको हमें ध्यान में रखना है। वो क्या है? सबसे पहला है टारगेट ऑडियंस, जो हमने थोड़ा सा शायद नीड में भी कवर किया है। टारगेट ऑडियंस का क्या हमें देखना है, उनकी एज ग्रुप क्या है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कंटेंट भी एज ग्रुप के हिसाब से बनेगा। अब आप किसी 10th के बच्चे को स्टॉप मोशन एनिमेशन का वीडियो दिखा करके नहीं पढ़ा सकते, और सिंपली एंड ऑन द अदर वे राउंड किसी आप सेकेंड क्लास के बच्चे को ओलैप्स या जो भुवन या आपने जो डिफरेंट अभी अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल सीखे हैं हायर लेवल के, वो उनसे नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये हमें देखना है उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, ई कॉन्टेंट बनाते हुए इनका ध्यान रखा गया है, उनका सोशल कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, जो हमने अभी अभी लद्दाख का एग्जाम्पल डिस्कस किया, लर्निंग स्टाइल, लैंग्वेज। मान लीजिए बहुत अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट, हिंदी भाषा में समझता है, मैं उसको अंग्रेजी में सिखा रही हूँ या तमिल में सिखा रही हूँ, वो नहीं समझ पाएगा। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एंड यही जो प्रोसेस है, यही जो स्टेप्स है हमें फॉलो करने हैं वाइल चेकिंग द कॉन्टेंट। अब मान लीजिए मेरे पास तमिल का कंटेंट आता है, मैं चेक नहीं कर सकती, तो मैंने किसी तमिल के एक्सपर्ट को बुलाया, तो तमिल का एक्सपर्ट हिंदी के लेवल पे नहीं चेक करेगा ना उसको कि इसमें तो तमिल में पढ़ाया है, वो देखेगा कि हाँ ये स्टेट लेवल कंटेंट है,
तो स्टेट के लिए कितना अप्रोप्रिएट है। मान लीजिए अब तमिल का कंटेंट है, उसमें एग्जांपल खाने का मक्की की रोटी और सरसों का साग दिया गया है, वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे उससे, बाजरे की रोटी को रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहां के कल्चर में सूटेबल ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें बहुत ध्यान से उस ई कॉन्टेंट में देखनी है कि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हमारा कॉन्टेंट, उसको ध्यान में रख के बना हुआ है या नहीं। दूसरा है कंटेंट, इसकी भी बात हमने पीछे की, कंटेंट एक्यूरेट हो, रेलेवेंट हो, पूरी कवरेज हो, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा बीच में से आपने कर दिया, ना इधर से समझ आ रहा ना उधर से, अपडेटेड हो, जो मैंने पहले भी बोला था, करिकुलम से रिलेटेड हो, सभी को डिफरेंट उसको डील करता हो, डिफिकल्टी लेवल उसमें एक आपका डिफाइन होना चाहिए, क्या आप रखना चाहते हो, एंड उसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, रियल वर्ल्ड रिलेट करना हमें आना चाहिए। ये है हमारा कंटेंट। तो जब टारगेट ऑडियंस को हम ध्यान में रखेंगे और हमारा कंटेंट सही होगा, तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि हमारा कंटेंट जो हमने डेवलप किया वो फाइनली कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस के पॉइंट पे पहुंचेगा। तीसरा है पेडागोजिकल कॉन्सिडरेशन, जो कि हम एज अ टीचर, आप खुद भी लेसन प्लान आपने आज नहीं बना रहे होंगे लेकिन पहले बनाया होगा, शुरू के सालों में जरूर बनाया होगा, उनमें हम ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, हम अपना टीचिंग मेथड डिफाइन करते हैं, क्या हम टीचिंग एड यूज कर रहे हैं वो डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो पेडागोजिकल कंसिडरेशन में आएंगी यहाँ पे, कि आपके इस कंटेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेथड क्या था डिलीवरी करने का कंटेंट के, कौन सा मीडिया सेलेक्ट किया, जो हमने इतने सारे ऑप्शंस देखे ई कंटेंट के, कौन सा मीडिया आपने सेलेक्ट किया, क्या वो मीडिया उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए ठीक है और उस एज ग्रुप के लिए। नाउ यू आर रिलेटिंग द पेडागोजिकल कंसीडरेशंस विद कंटेंट एंड टारगेट ऑडियंस। उसके बाद है प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स। प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स क्या थे, अगर आपको याद हो अजीत सर का सेशन तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताए थे, डॉक्यूमेंट्री है या डॉक्यूड्रामा है, उन सबको भी आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। तो अगर उनको ध्यान रखेंगे, उसके अंदर क्या आप इमेजेस डाल रहे हैं वो रेलेवेंट है, जैसे हमने कल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जब किया था तो हमने एक रेलेवेंट इमेज डाली थी डेकेंटेशन की, उसका एक एग्जांपल अगर हम हो सके तो हम उसका रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकते हैं उस वीडियो में, कि हम रियल लाइफ में कहाँ डेकेंटेशन करते हैं। तो इस तरह से हम अपने कॉन्टेंट को रिच बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, मतलब एक बेस्ट फॉर्मेट में रख सकते हैं जिससे उसको बेहतर समझ में आए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्रेजेंटेशन। अब आपके पास कंटेंट तो बहुत अच्छा है, आपने सारी चीजों का ध्यान रखा है, पर उसके अंदर कोई सुंदरता ही नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रेजेंट कर दिया फॉर एग्जांपल, बोरिंग हो जाएगा, शायद कोई ना पढ़ना चाहे उसको, ना देखना चाहे, उसकी एस्थेटिक्स, उसकी मोटिवेशनल वैल्यू, हमारा यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, हम जितनी चीजों को फॉलो करेंगे उसमें, वो हमारे लिए एक इट विल बिकम अ रिच रिसोर्स। अब मैंने कल, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा, मैंने कल अजीत सर का एक बहुत अच्छा ऑडियो प्रोग्राम डाला था, उसी ऑडियो प्रोग्राम को अगर मैं डॉक्यू ड्रामा ना बना करके सिंपल टॉक की तरह बताऊंगी कोई नहीं सुनेगा। आप सर का सेशन इमेजिन कर लीजिए, सर आए बैठे और जैसे वो कह रहे थे कि मुस्कुराना होता है माइक पे, अगर आप चाहते हो आपके ऑडियंस मुस्कुराए तो आप वो आए और बैठे और बोल के चले जाए, आप सुन पाएंगे नहीं। आपको अच्छा लग रहा है जब वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं या वो जो एक्सप्रेशन अपनी कविता में दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये वाली चीज जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो हमारी उसके अंदर होनी जरूरी है। फिर है टेक्निकल फीचर्स। अब सबसे बड़ी बात है, हम लोग कल ही बात कर रहे थे MP4 MP3 या MOV या AVI कौन सा फॉर्मेट यूज करें, रेडियो के लिए या वीडियो के लिए। अब मैंने जो आंसर दिया था कल, पहला वो ये था कि MP4 यूज करिए। क्यों? क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। सबसे बड़ा है कंपैटिबिलिटी इशू। अब उसके बाद और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ऑडेसिटी में आ रहा था कि मैम मेटा डेटा बनाएं क्या उसमें। बिल्कुल, आप मेटा डेटा हर रिसोर्स का शुरू से बनाएंगे तो जब भी वो रिसोर्स जिसके भी साथ शेयर होगा उसके पास पता होगा कि ये इन्होंने बनाया है, इस क्लास के लिए है, तो उनको भी पता है कहाँ यूज करना है। अगर आप मेटा डेटा नहीं बनाएंगे, टाइटल डाल के छोड़ देंगे या ABCD करके छोड़ देंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि वो लॉस्ट हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं किसी को। तो कोई भी चीज को ढूंढना हो, अवेलेबिलिटी उसकी चेक करनी हो, तो बहुत जरूरी है कि हम उसको ऐसा बनाएं कि उसकी डिटेलिंग प्रॉपर करें। या मान लीजिए आपने बहुत अच्छा रिसोर्स बनाया, सारी इमेजेस आपने लगा दी कॉपीराइट की, ये भी टेक्निकल इशू है, आप उसे एक्सेस ही नहीं कर सकते।
आपने पढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं आ रहा आपको चेक करने, अभी इतने इतने लॉस स्प्रिट नहीं हुए, पर अगर आप पकड़े गए तो क्या करेंगे? अगर आप न्यूज देखते हो, कई बार क्या होता है किसी पुराने उसमें आता है कि इन्होंने अपने थीसिस में जो है ना प्लेजराइज कंटेंट डाला था, ये इतना बड़ा नाम है, इन्होंने ऐसा, यही चीजें होंगी हमारे साथ बाद में। तो बेहतर है आज अगर हमने एक लाइसेंसिंग सीखी है, हम अपने उसी रियल लाइफ में अप्लाई करें, या खुद बनाए, या फिर ऐसी चीजें ऑनलाइन ढूंढे जो ओपन सोर्स में हो, सो दैट लेटर ऑन व्हेन समबडी इज कमिंग टू अस वी कैन से दैट ओके वी हैव गिवन देम द एट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशन जो हमने डिस्कस किए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो हमने डिस्कस की थी, या उसकी सपोर्ट मैकेनिज्म है। मान लीजिए मैंने बड़ा अच्छा कंप्यूटर खरीद लिया, अब उसका यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिल रहे, चार्जर खराब हुए, यहाँ इंडिया में स्पेयर पार्ट ही नहीं है, मान लीजिए मेरा लिए कोई यूज का नहीं रहा ना। तो ऐसे ही कोई आपने कॉन्टेंट डेवलप किया, आपने उसे किसी ऐसे वेबएम टाइप फॉर्मेट में डाला या किसी भी फॉर्मेट में, वो चला ही नहीं, तो कैसे वो यूज होगा? तो यहाँ पे ये लर्निंग आती है कि हम वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, कि उसे सब बना सके, एज अ टीचर आपने बनाया है, आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आया और कंटेंट भी बन गया, उसका डिलीवरी मैकेनिज्म सिंपल है, उसकी सपोर्ट सर्विस अवेलेबल है, ऐसा फॉर्मेट है जो सब लोग उसको यूज कर सकते हैं, और एक पूरा प्रॉपर डिफाइंड प्रोसेस है। अगर वो नहीं होगा तो वो कॉन्सेप्ट या वो रिसोर्स या ई कॉन्टेंट वो यूज नहीं हो पाए। तो ये हमारा था बेसिकली प्रोसेस। अगर हम जब ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल की बात करेंगे तो आप देखेंगे सारे एलिमेंट्स यही वाले उसके अंदर निकल के आएंगे। सो नाउ अब हमने ये जान लिया, प्रोसेस हमें पता है, पर प्रोसेस पता होने से नहीं होता है, हमें कुछ एक अगर क्राइटेरिया उसका बना करके दे दिया जाए, इजी हो जाता है एक इवैल्यूएशन करना। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ना अब ई कंटेंट इवैल्यूएशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सीआईटी में तो एक टूल डेवलप किया विच इज वेरी क्रिस्प, ताकि जल्दी इवैल्यूएशन हो, बट हमें सही इवैल्यूएशन भी हम कर पाए। एक ब्रीफली एक एक्यूरेट टूल बनाया गया है, तो उसके लिए हम लोग, मैं सीधा सीआईटी की वेबसाइट से ही लिंक कर रही हूँ, क्योंकि आप ये भी कहेंगे कि हमारे साथ ये टूल शेयर किया जाए, तो आप सीआईटी की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे रिसोर्सेज के अंडर हमारे पास है ई कंटेंट इवैल्यूएशन और ई कंटेंट गाइडलाइंस, इन दोनों को आप खुद देखिए। तो सबसे पहले हम ई कंटेंट इवैल्यूएशन पे चलते हैं, ये पेज हमारा ई कंटेंट इवैल्यूएशन का खुल गया। इसके अंदर फर्स्ट है ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल, नाउ हियर यू कैन सी कि इसके अंदर बहुत ही क्रिस्प, जितनी हमने बातें की उनको बहुत ही बुलेट्स में बना दिया गया है, ताकि हमारे लिए ई कंटेंट इवैल्यूएशन करना उस वक्त आसान हो, हमें थ्योरी पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, इस तरह से कर दिया तो बहुत इजी हो गया। जो हमने कहा था कि जो हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की, ये भी हमारा एक ई रिसोर्स है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है कि आप एक नजर में बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे पहला है फैक्चुअल एक्यूरेसी, एज अ टीचर आपको बताना है यस या नो, लीगल यूज ऑफ प्रोप्राइटरी कॉन्टेंट, लाइसेंसिंग की बात हो रही है यस या नो, कंटेंट पीस फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिच, मतलब जैसे आप अगर मैं सेशन ले रही हूँ और मेरी ऑडियो ही कम आ रही है या ऑडियो नहीं आ रही है या फिर वीडियो फ्लिकर हो रही है तो वो ठीक नहीं है, आप उससे नहीं पढ़ सकते, डिस्टर्ब होंगे, तो वो नो हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कॉन्टेंट, ये क्यों लिया गया है? ये लिया गया क्योंकि हम जब सीआईटी में बैठते हैं तो हम एक नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो नेशन के भी कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस है, हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, हम किसी धर्म को नहीं बढ़ा रहे हैं यहाँ बैठ के, हम किसी जेंडर को बायस नहीं हो रहे, तो उन चीजों का ध्यान भी हम इसके अंदर रखें। तो ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कॉन्टेंट है। उसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस विथ टॉपिक सब टॉपिक एंड लर्निंग आउटकम्स कवर्ड इन द टेक्स्ट बुक एरिया, ये बनाया गया है कि हमें मान लीजिए कोई कंटेंट आया और हमें उसको दीक्षा से, मान लीजिए दीक्षा में जो हमारे पास बुक्स हैं या कंटेंट है उसके साथ मैप करना है, तो उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाए। देन पेडागॉजिक एंड एंड्रोगॉजिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हमें रेटिंग देनी है कि क्या वो पेडागॉजिकली करेक्ट है, तो कितना करेक्ट है। लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, लैंग्वेज कैसी है, जैसे अजीत सर ने बोला था कि आप अपनी भाषा का बखान ना करें रिसोर्स में,
आपने ऑडियो बनाई और बढ़िया अंग्रेजी के मोटे मोटे शब्द बोल दिए या किसी भी भाषा के जो सामने वाला नहीं समझ सकता है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए भी हम देखें कि भाषा सिंपल हो, छोटे सेंटेंसेस हो जो कि समझने में आसान है। फॉर्मेट ऑफ कॉन्टेंट ऑफ प्रेजेंटेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर एज क्लास एंड लेवल, जो हमने बहुत डिटेल में बात की। पेस ऑफ द प्रोग्राम, मतलब बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है या बहुत ही स्लो है कि बोरिंग हो गया, ये भी हमें देखना है, ये हमें रेटिंग करनी है इनके लिए। एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बहुत कम टाइम का ड्यूरेशन क्या है, जब तक आपका फोकस बना कॉन्टेंट खत्म हो गया। बहुत लंबा कॉन्टेंट है तो जी बोरिंग हो गया और आपने उसको देखना छोड़ दिया। तो एक अप्रोप्रिएट जो उसकी ड्यूरेशन है वो किसके, हमारे लर्नर के बेस पे डिसाइड होगी। अब अगर आप नीचे आएंगे आप देखेंगे कि इसमें लिखा है पैरामीटर्स 1 to 4 टू बी रिस्पॉन्डेड एज यस और नो, हमने देखा 5 to 10 रेटिंग है। और इसके अंदर एक और चीज है, जो अगर आपका पैरामीटर 1 to 4 पे कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है, वो नो हो गया, यू डोंट हैव टू गो फर्दर टू 5 and 6। बिकॉज अगर फैक्चुअली ही वो रिसोर्स इनकरेक्ट है, आप उसको क्या करेंगे आगे देख करके कि उसका पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। तो इन चार चीजों पे अगर यस है तभी हम आगे का इवैल्यूएशन करेंगे, और अगर इन्हीं चार चीजों पे इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम है हम उसको फर्दर इवैल्यूएट नहीं करेंगे, बिकॉज वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये है हमारा ई कॉन्टेंट इवैल्यूएशन का टूल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट है पैरामीटर्स फॉर ई कॉन्टेंट इवैल्यूएशन। पैरामीटर्स वही थे जो हमने अभी डिस्कस किए, उनको भी ब्रीफ में दिया गया था। एक थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्मेट भी है, जैसे मान लीजिए आप पहली बार कर रहे हैं या आप किसी को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से पैरामीटर्स काम करते हैं। तो जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था फैक्चुअल एक्यूरेसी, तो उसको डिटेल आउट किया गया है कि क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्चुअल एक्यूरेसी हियर, कि कॉन्टेंट बीइंग प्रेजेंट थ्रू टेक्स्ट डायग्राम, जो भी जिससे भी उसमें कोई फैक्चुअल एरर नहीं है। लीगल यूज का क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी पूरा डिटेल में आपको सब एक्सप्लेन किया। कंटेंट पीस इज फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिच, साउंड इज सिंक विद विजुअल्स। कई बार क्या होता है, हमारा होठ हिल रहा है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज कुछ और आ रही है, ये सब हमारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं। इन सबको हमें ध्यान देना है अपने कॉन्टेंट में। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पॉइंट था वो भी यहाँ पे पूरा, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को वो कर रहे हैं, कोई वायोलेशन नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस की, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस किए। आप ये वेबसाइट पे जाके डिटेल में भी आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा भी कंटेंट क्यूरेशन के लिए कुछ नीचे और भी डिटेल्स हमारे लिए दिए गए हैं, जिससे कि हम उसे यूज कर सकें। तो ये हमारा हो गया था ई कंटेंट इवैल्यूएशन का पॉइंट। दूसरा है गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस भी दे आर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स, मैं सिर्फ आपको एक बार दिखा देती हूँ कि वो कहाँ पर है और हमें कैसे अवेलेबल है। अगेन रिसोर्सेज में जाने पे ये ई कंटेंट गाइडलाइंस है, ये मेरा पेज खुला है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दो गाइडलाइंस है, एक तो फॉर स्कूल एजुकेशन कंटेंट एंड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो एक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इट इज अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट, वी कांट डिस्कस इट हियर, लेकिन आप लोग एक नजर देखेंगे तो आप लोग प्लीज इसे बाद में जाके पढ़िएगा, सो दैट जब आप कॉन्टेंट बना रहे हैं अगर तभी आपको ये सब चीजें पता है तो चांसेस है कि गलती उनमें नहीं होगी। ये है पूरा ई कंटेंट क्रिएट करने के लिए गाइडलाइंस, बहुत बड़ा ये डॉक्यूमेंट है 44 पेजेस का। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको आप खुद पढ़ें और उसको देखें, ये जो हमने अभी अभी इस फॉर्म को डिस्कस भी किया था, इस इमेज को, एडी मॉडल को कैसे यूज करना है ई कंटेंट इवैल्यूएशन में, उस पर हम अभी बात भी करेंगे। एंड दीज आर द प्रॉपर गाइडलाइंस कि हमें किस तरह से स्टेप वाइज काम करना है। इसी तरह हमारी वो गाइडलाइंस है जो कि फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, वो भी आप उसको वहां से देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच अगेन वही एडी का मैंने अभी नाम लिया था आप सबके सामने, वही आएगा हमारे पास, इवैल्यूएशन को हम एडी को कैसे उसके अंदर देखें वो हमें अब समझना है। एडी बेसिकली एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग मॉडल है जिसको बेस करके हम ई कंटेंट डेवलप करते हैं।
तो इवैल्यूएशन केवल ई कंटेंट बनाने के बाद नहीं होता, ई कंटेंट बनाने के दौरान भी इवैल्यूएशन होता है. एंड दिस मॉडल विच इज एडी गिव्स अस द ऑप्शन टू इवैल्यूएट द ई कंटेंट एट एवरी स्टेप. अगर आप इसकी फुल फॉर्म को देखेंगे वो है एनालिसिस, ए फॉर एनालिसिस, डी फॉर डिजाइन, नेक्स्ट डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड ई फॉर इवैल्यूएशन. एंड दिस इवैल्यूएशन गोज विद एवरी स्टेप. आपने मान लीजिए एनालाइज किया कि आपको एक ई कंटेंट बनाना है क्लास थर्ड के लिए या क्लास फोर्थ के लिए, ये आपका टॉपिक आपने डिसाइड किया. अब आपको पता है आपका एज ग्रुप क्या होगा, आपने वो डिसाइड किया, उसका लर्नर कौन होगा वो डिसाइड किया, लर्नर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सभी कॉन्टेक्स्ट को देखा. उसके बाद आपने फॉर्मेट डिसाइड किया कि उस बच्चे के लिए क्या फॉर्मेट अप्रोप्रिएट है, किस तरह के एग्जाम्पल्स अप्रोप्रिएट है. ये जो सब एनालिसिस हमने किया, अभी कोई कंटेंट डेवलप नहीं किया, वो है हमारा फर्स्ट. एक बार आपने एनालाइज किया, अब आप उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? खुद इवैल्यूएट करेंगे तो आप सही बोलेंगे, तो आप अपने कुलीग से, सेम सब्जेक्ट के टीचर से उसको दिखा सकते हैं कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, राइट? तो जब उनका इनपुट मिलेगा यू विल बी एबल टू रिफाइन इट एट द एनालिसिस स्टेज ओनली. देन यू गो टू डिजाइन, देन यू आर गोइंग इन टू द से फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग ऑफ द कॉन्टेंट. उसके लिए आवश्यक सामग्री जुटानी है, उसके लिए बेसिक ड्राफ्ट लिखना है कि क्या हो सकती है स्क्रिप्ट, उसका बेसिक कंटेंट पहले बनाएंगे. उसके बाद आप वो भी दिखा सकते हैं कि हाँ, उसको एक रिव्यू कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक है या नहीं है. देन उसको फाइनली आप डेवलप करेंगे, चाहे आप एज ऑडियो करें, वीडियो करें, जो भी रिसोर्स आप बना रहे. अब डेवलप हो गया तो सीधा क्लास में नहीं लेके जाना है, उसको लेके जाना है पहले उस एज ग्रुप के पास. आप देख सकते हैं कि उनको समझ आया या नहीं, उसको रिफाइन करने की जरूरत है, और अपने कुलीग्स के पास टू रिव्यू कि ये कंटेंट क्या ठीक है. अब दो लेवल का रिव्यू आपके पास आया, इस बेस पे आप उसे करेक्ट करना चाहें अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो अगर हम ये मॉडल फॉलो करते हैं व्हाइल डेवलपिंग ई कंटेंट, तो आपका बहुत चांसेस है कि बाद में ई कंटेंट इवैल्यूएशन के दौरान वो कंटेंट रिजेक्ट ना हो. सो ये था हमारा ई कंटेंट इवैल्यूएशन के ऊपर प्रेजेंटेशन या समझ जो हम डेवलप करना चाहते थे. अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो हम वो भी ले सकते हैं. एनी क्वेश्चंस आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. हाँ जी लक्ष्मी मैम पूछिए. लक्ष्मी मैम प्लीज आस्क. आई होप मैंने जो बताया है एक आपको ओवरव्यू उसका समझ में आया होगा. हमारा प्लान एक ये होता है कि हम एक ई कंटेंट आपको दें और आप उसे इवैल्यूएट करें, पर क्योंकि थोड़ा सा टाइम का वो था तो हम लोगों ने डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिया कि आप हम लोग एटलीस्ट कंटेंट को कवर कर पाए. तो आप yes, मैम बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है और एक फॉर्मेट भी मिल गया जिसकी हमें उम्मीद थी कि हम कैसे करें, क्योंकि दीक्षा का इतना था कि हम कैसे कैसे किन पॉइंट्स पे करेंगे. बहुत क्लियरिटी हो गई है मैम. एक टाइम बाउंड पूछना था कि कितनी देर की होनी चाहिए हमारी ऑडियो या वीडियो या पीपीटी जो इजीली अपलोड हो जाए. मैम देखिए एफएलएन की जिसकी हमने दीक्षा में बात की, जिसके लिए हम कॉन्टेंट बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बाइट साइज कॉन्टेंट इमेजिन कर रहे हैं. बाइट साइज का मतलब है कि 2 से 3 मिनट अगर हम मिनिमम लें तो 5 से 6 मिनट मैक्सिमम होगा, उससे बड़ा ना हो. FLN कंटेंट क्योंकि वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जो कि बच्चों के लिए, तो बच्चे उससे ज्यादा देर नहीं टिकेंगे. तो इतना बड़ा कंटेंट हो, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है कि जो थोड़ा हमें लगता है और टाइम देने की जरूरत है, तो आप डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड एज ऑफ द चाइल्ड थोड़ा सा उसे और भी बड़ा कर सकते हैं. पर 10-15 मिनट से ऊपर मेरे ख्याल से कोई भी लर्निंग कॉन्टेंट जो है वो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आधे घंटे का जब एक वीडियो बनता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, क्योंकि जो वीडियो है या ऑडियो वो पैसिव हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है. तो अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि आपको एंगेज रख सकते हैं तो यू कैन मेक इट अ लिटिल लॉन्गर. पर जैसे हमें व्हाट्सएप पे शेयर करना है या फिर दीक्षा पे डालना है या फिर फेसबुक से अपलोड, जहां से भी आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपको डालना है, तो जितना छोटा है 5-6 मिनट इज वेरी गुड टाइम फॉर द रिसोर्स. चंचल मैम आपका कुछ पॉइंट है, आपने हाथ उठाया, प्लीज पूछिए. हेलो नमस्कार मैम. मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम कोई ई कंटेंट बनाते हैं
तो यदि हम हमारे स्तर पे बच्चों के यूज के लिए यदि उसको काम में ले रहे हैं, तो क्या फोटोज जो ले रहे हैं या इमेजेस जो ले रहे हैं वो उनको यूज ले सकते हैं? मैम देखिए, करने को हम अभी तक करते आ रहे हैं, जब तक आपको इसका नहीं पता था आप कर रहे थे। या जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि किसी ने अपने रिसर्च पेपर ने में एक ऐसा डेटा डाला जो प्लेजराइज था, जब पहले इतना प्लेजरिज्म की बात नहीं थी, पर आज इतने सालों बाद वो एक मुद्दा बन गया कि वो एक उन्होंने एक चीज को ओबे नहीं किया, कॉपीराइट वायोलेशन किया, तो वो फंसे। आपने सोचा है कि आप वो रिसोर्स इस तरह से यूज करेंगी? मान लो आपने व्हाट्सएप पे भेजा, उस बच्चे ने अपने बाकी फ्रेंड्स को भेजा और वो किसी ऐसे इंसान के पास आ गया जो बता सके कि ये आपने करेक्ट नहीं किया है, तब आपके उसमें प्रॉब्लम में आने की उम्मीद है। तो बेहतर है कि हम शुरू से ही एक सही स्टेप से चले, तो हम किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। तो मैडम वहां पे जो फोटोज इमेजेस रहते हैं, तो वहां पे पूरा पहले कंफर्म हो उसको कि ये कॉपीराइट नहीं है, तो ही हम हाँ उसको ले, बिल्कुल अन्यथा जी नहीं बिल्कुल ले। हाँ। तो जैसे ओके YouTube पे भी आप जाते हैं, YouTube जब हम पहले पहली बार सर्च करते हैं, आप सर्च करेंगे तो वहां पे एक बटन आता है साइड में, उस बटन पे क्लिक करके हम लाइसेंसिंग चेक कर सकते हैं। हम पहले ही बोल दें YouTube को कि हमें केवल कॉपीराइट ओपन सोर्स का लाइसेंस कंटेंट दिखाएं। उसके बाद भी अगर आपने वहां नहीं किया, एक वीडियो खोला, तो नीचे अबाउट में एक बटन होता है मोर या अबाउट करके, जो वीडियो के नीचे टेक्स्ट होता है उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां पे भी आपको उसकी लाइसेंसिंग की डिटेल्स मिल जाती है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, अवेयर हो गए हैं हम लोग, तो हम उसको यूज करना शुरू करें इस ज्ञान को। हमें अगर एक ज्ञान मिला है, एक नॉलेज मिली है, तो अगर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, फिर आप लोगों के लिए फिर से मैटर नहीं करेगा, फिर बाद में कहीं ना कहीं हमें गलत रास्ते पे। ओके मैम। हाँ तो मैम, जैसे हमें ओपन सोर्स में भी तो पिक्स इमेजेस मिल जाती होंगी ना, उसपे हाँ हाँ पता मैम, लग बहुत जाता है होगा कि मैम, बहुत ओपन। सारे। जी, आपको मैं एक मैम ऐसा कोई लिंक डाल देना ताकि छोटे छोटे इमेजेस हम बच्चों को बना के और छोटे जी छोटे जी जी वीडियोस बना सकें। ऐसा है कि मैम बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे ओपन सोर्स का ही कंटेंट है, तो मैं एक लिंक है वो मैं आपको डालूंगी, उसके लिंक के अंदर आपको 15-20 लिंक और मिलेंगे, ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, इमेजेस के लिए, आप उनको फर्दर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ओके मैम। ओके मैम, ओके थैंक्स मैम। जी मनिंदर सर, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे जो ट्रेनिंग हमें दिया गया है इन 4 दिनों में, हाँ अगर हम जी दीक्षा के लिए कोई कंटेंट बनाना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? ये ट्रेनिंग का हमें आपसे CIT से कैसे फायदा होगा, मींस हमारे कंटेंट का नेशनल लेवल पे हम कैसे इसको सर, कर ऐसा सकते है हैं? कि दीक्षा में हर स्टेट का अपना एक वर्टिकल है, एक टेनेंट है, ठीक है? तो अगर आपने जो ट्रेनिंग ली, अब आप कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि कल जो कल का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें स्टेट एक्शन प्लान बनाना है जिसके अंदर हम देखेंगे कि एज एस आर जी आप क्या करोगे। तो आपने भी वापस जाके कंटेंट बनाना है, वो कंटेंट आपके स्टेट के जो वर्टिकल है या टेनेंट है दीक्षा पे, उस पे अपलोड होगा थ्रू द प्रॉपर चैनल, एक बार रिव्यू होगा फिर वो प्रॉपरली अपलोड होगा। तो ये आपका एज एस आर जी डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा दीक्षा में फॉर ई कॉन्टेंट। विजय सर, आप अपना सवाल पूछिए यूपी से। हाँ मैम, मेरा सवाल ये था कि मैम जैसा आपने कहा कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने विदिन 4 डेज में सीखी हैं, जैसे लाइसेंसिंग हो, चाहे बहुत सारे एप्स हो वगैरह वगैरह, तो लाइसेंसिंग में जैसा कि मान लीजिए जो इमेज या जो भी चीज आइडियाज हमको नेट पे मिल रहा है और उसमें बॉन्डिंग है कि ये चीज रूल्स हम फॉलो करेंगे तभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट से आइडिया लेते हुए अगर उस चीज को हम अपने रिसोर्स से किसी भी मेथड से अगर उसको वीडियो के माध्यम से शूट कर ले या बना ले तो क्या वो भी कॉपीराइट में आएगा कि मेरे से आइडिया लेके बना है या शूट किए हैं? सर देखिए, अगर आप ये मतलब अगर आपने वो देखा हो, फिल्में बनती हैं, थिएटर में जी जाती हैं और एक पायरेटेड फिल्म बाहर आ जाती है, जी बिल्कुल तो वो पायरेसी है, क्लियरली पायरेसी, आप खुद पता है आपको, तो फिर ये तो वही वाली बात हो गई, नहीं मतलब नहीं कोई। मैम, जैसे मैंने ये कहा कि मैं सब कुछ अपना क्रिएट करूं, जैसे होता है कि ये घटना वास्तविक घटना पे बनाई गई लेकिन इसका आज के परिवेश में किसी से कुछ लेना देना नहीं है या मेरा इससे किसी के धर्म जाति या समुदाय को आहत करना नहीं है, तो फिर भी वो चीजें नीचे नोट डाउन में, या यू कहें मूवी चल रही होती उसमें लोग ड्रिंक कर रहे होते तो नीचे लिखा रहता शराब पीना हानिकारक है या नहीं, पब्लिक। आप, मैं आपकी बात समझी, जो नेक्स्ट लेवल है कि सर देखिए, अगर आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है,
या पार्ट्स ऑफ द सीड्स हैं या कोई भी टॉपिक ले लीजिए एक्स वाई जेड जी, आप वो कंटेंट आपने तो नहीं बनाया, किसी ना किसी ने तो कभी ना कभी बनाया ही है जी, पर आप उस कंटेंट को एज इट इज ना उठा करके अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं ना सर। मैं ये फुली कॉपी करने के लिए मना कर रही हूँ। देखिए आइडिया टॉपिक तो कोई होगा ही ना, कंटेंट तो होगा ही, इनका ये आइडिया है। अब जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है तो हमें कांग्रेस या बीजेपी को लेना ही पड़ेगा ना, चाहे हम पार्टी का नाम एबीसी कर दें, लेकिन हम उनको पार्टीज दिखाएंगे तभी तो हम हमारी डेमोक्रेसी डिफाइन कर पाएंगे ना, कि कैसे चार पार्टीज या पांच पार्टीज हो सकती हैं, कैसे वो जनता के पास वोट मांगते हैं, जनता के पास बताते हैं कि वो हमारे लिए क्या करेंगे, तब उन्हें वोट मिलता है। तो ये डेमोक्रेसी का आइडिया है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी तो सेम ही रहेगा, पर आप उसे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उसमें आप कोई नाम नहीं यूज कर रहे, ना बीजेपी का यूज कर रहे हैं, ना किसी एक्स वाई जेड पार्टी का यूज कर रहे हैं, आप उसे एबीसी कर दे रहे हैं या कोई अपने दैट्स व्हाट, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। रूही मैम आप पूछिए प्लीज। मैम मेरा एक सवाल है, मिसाल के तौर पर मैंने एक स्टोरी बनाई है, हाँ जी, और स्ट्रीम है, तो क्या मैं उसको वीडियो की सूरत दे सकती हूँ स्टोरी को? बिल्कुल दे सकते हैं मैम, जैसे अगर आपने कोई स्टोरी बनाई है, आज आपने स्टॉप मोशन सीखा है, आप उसे ड्रॉ कर सकती हैं, या फिर आप उसके मान लीजिए जो क्ले आती है हमारे पास, क्ले से आप कैरेक्टर बना के उन्हें मूव कर सकती हैं, उस तरह से आप वो स्टोरी भी बना सकती हैं वीडियो में। तो फिर मतलब भेज सकती हूँ ना, अगर मेरा मिसाल हमें तीन तीन या चार चार टोटल मिला के हमने असाइनमेंट्स, हमारे लिए चार हैं, क्या ये दो मेरे दो असाइनमेंट्स हो सकते हैं, एक तो ऑडियो दूसरा ऑडियो वीडियो? कोई भी हो सकता है मैम, वो तो आपके ऊपर है, कोई भी हो सकता है। ओके थैंक यू। मैंने कोई बाउंडेशन नहीं रखी है, बाउंडेशन आपके असाइनमेंट में केवल ये है कि 10 MB की फाइल हो, क्योंकि वो सारी जीमेल में आएंगी, जीमेल भर गया तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा अगर मैं बड़ी फाइल अलाउ करती हूँ, तो आप थोड़ा छोटा रिसोर्स बनाइए अभी के लिए, सो दैट आपका असाइनमेंट भी हो, आप सॉफ्टवेयर को भी समझ पाए, आपका क्राइटेरिया भी पूरा हो जाए। थैंक यू मैम। एक कमेंट आया है चंचल मैम का चैट पे, कुछ सेकंड का लेने पर वह कॉपीराइट नहीं होता, सर ने बताया था, बिल्कुल ठीक है मैम, जैसे गाने होते हैं कुछ होता है 1 मिनट या 1.5 मिनट का ड्यूरेशन, अगर आप गाना ले रहे हैं कहीं पे वो कॉपीराइट के अंडर कवर नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। प्लस दूसरा है, बहुत एक टाइम के बाद जो क्रिएटिव वर्क्स हैं उनकी जो वो कॉपीराइट्स है वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं उनकी डेट्स या जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो चेक करके ही। दीक्षा में सर सीधे तो नहीं आप अपलोड कर सकते हैं, आप चाहे या तो मान लीजिए स्टेट में जो आपका दीक्षा का जो भी टेनेंट हैंडल कर रहे हैं उनके थ्रू, या फिर अगर आप मान लीजिए CIT में अपने 20-25 कंटेंट बना के भेजते हैं तो वो यहाँ रिव्यू होगा, अगर वो यहाँ के पोर्टल नेशनल लेवल के लिए अप्रोप्रिएट है तो वो फिर अपलोड होगा। तो आई थिंक सभी क्वेश्चन हमने ले भी लिए हैं, और हमारा समय देखिए एक्यूरेट 5:15 हुआ है जो मेरे शेड्यूल पे है, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। आप लोगों का अगर कुछ और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पूछ लें, 2 मिनट हम 5 मिनट और लगा लेते हैं, फिर हम सेशन को क्लोज कर देंगे। कुछ पे सर बड़े सारे हाथ उठ जाते हैं, कुछ में बड़े सारे सवाल हैं आप लोगों के, ये नहीं समझ आता मुझे। पूछिए मुताहर रहा सर JK से, हनीफ जी आप पूछिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए मुताहरा हनीफ जी प्लीज। जी अनम्यूट था, म्यूट नहीं हो रहा, ये अनम्यूट नहीं हो रहा था। मैम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, लास्ट पे मैंने आपको तकलीफ दी, बेसिकली मुझे लगा इसे सबके लिए फायदा होगा, क्योंकि मुझे भी एक ऐसा जहन में एक बात आ गई कि यहाँ ऑलमोस्ट सारा वो डिस्कस हो चुका है, लेकिन मैं सबके लिए बताना चाहूंगी कि जैसे कि इससे पहले मैंने दीक्षा पे काम किया और एक वीडियो बनाई, और वो मेरी पहली वीडियो थी और बहुत अच्छी थी, बहुत मिलकर मैंने उस पर मतलब लाइक काम किया था, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने उसको लाइक थोड़े से टाइम के लिए एक दुआ थी और वो ली थी गूगल से, ठीक है, उस वक्त मुझे अभी कुछ नहीं पता था, उसके बाद हमने ट्रेनिंग सेशंस लिए और मैंने ये पूरा मतलब लाइसेंस का वगैरह सीखा, इससे पहले एक सेशन में मैंने ये सीखा है, लेकिन मैम उसमें क्या हुआ, उसमें ये बताया गया कि थोड़े टाइम के लिए लिया गया था और मैंने बाद में एट्रीब्यूशन भी लिख के दिया। मैं हैरान इस बात पर हूँ मैम कि जिन्होंने क्लेम किया था वो उनका सॉन्ग भी नहीं था,
मुझे क्लेम जहां से आ रही थी, इवन मैंने गूगल से भी, ये यूट्यूब से भी हटाया, क्योंकि पहले मुझे गूगल लिंक बनानी नहीं आती थी, मैंने डायरेक्ट अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर लिंक बनाई, और पहले दिशा पे बहुत ग्लिच थे तो हम यूट्यूब लिंक से अपलोड करते थे, अब हम डायरेक्ट अपलोड करते हैं, तो स्टार्टिंग सेशन में, स्टार्टिंग ईयर्स में हमने उसको डायरेक्ट किया था, मतलब यूट्यूब लिंक से किया था, तो उस वक्त मुझे यूट्यूब पे ही एक क्लेम आ गई कि आपने ये इनका गाना लिया है और आपको ये, फिर हमने जबकि यूट्यूब के एंड पे, पूरे वीडियो के एंड पे उनको एट्रीब्यूशन दिया था, पूरा लिखा था कि हम ये यहां से ले रहे हैं, हालांकि वो उनका नहीं था सोर्स, हमने चेक किया वो सोर्स ही, वो गाना ही वहां से हमने नहीं लिया था, तो वहां पे क्या कर सकते हैं अगर इस तरह किसी और को भी मेरी तरह प्रॉब्लम हुई हो तो? मैम देखिए ऐसा है, ए पहली चीज, अगर वो कॉपीराइट में है तो केवल एट्रीब्यूशन से भी काम नहीं चलेगा, कॉपीराइटेड है वो, अगर वो ओईआर है और आपने वो दिया है तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, और ऑन दी अदर हैंड कोई सेकेंड पर्सन है जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, या हो सकता है हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपलोड ना किया हो, किसी और ने उनसे पहले कर दिया हो, कई बार होता है कि मैंने बनाया, मैं आपको दिखा रही थी, आपको सेंड किया, आपने अपलोड कर दिया अपने नाम से, तो exactly. मैं क्लेम तो कर सकती हूँ ना, काम तो मेरा ही है ना, तो ऐसा भी हो सकता है, तो वी शुड रिस्पेक्ट देम, ऐसा नहीं है, पर हाँ अगर वो ओईआर नहीं है तब तो वो वैसे भी जायज हो गई उनकी बात, और अगर वो कॉपीराइटेड है, मतलब जब मैं कह रही हूँ ओईआर नहीं है, कॉपीराइटेड है, तो हम केवल एट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा, कॉपीराइटेड का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें एट्रीब्यूशन दें, ओईआर का मतलब है कि हम एट्रीब्यूशन देके उसको यूज, रीयूज, चेंज सब कुछ कर सकते हैं, पर कॉपीराइट हमें अलाउ नहीं करता कि हम उसे रिटन परमिशन या पेड परमिशन के बिना उसे यूज करें, जो भी उनका मैकेनिज्म है या उन्होंने रखा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, मुझे लगता है बहुत उनको इससे और क्लियर हुआ होगा जिनको भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम आई। हां मुतहरम मैम, जब मैंने किया था तो मेरा यूट्यूब से ही हट गया था सब कुछ, मगर किसी ने क्लियर नहीं किया था। हाँ लेकिन मैं भी हैरान हुई थी तब कि हम एट्रीब्यूशन की सिर्फ बात है, मैंने मेल भी उनको लिखा था कि ये आपका नहीं है, लेकिन मैम के पास सही है, मे बी वो किसी और रिसोर्स पे और हमें समझ नहीं आ रहा हो कि ये असल में इनका है। मैम एक्चुअली क्या है ना, जैसे एज अ टीचर कई टीचर इतने अच्छे होते हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं अगर वो अडॉप्ट कर पाए, उन्होंने बड़ी अच्छी टेक्निक निकाली कुछ पढ़ाने की, अब किसी और टीचर ने देखा, उसने कहा मैं भी यूज कर लेता, उन्होंने यूज की, कोई गलती नहीं, उन्होंने मना भी नहीं किया होगा, पर उन्होंने उसको सोचा कि और दुनिया को दे दूं, तो उन्होंने वीडियो बना के डाल दी। अब ये वाला जो बंदा है पहला जिसने इतनी मेहनत की, वो तारीफें बटोर रहा है, इनको कुछ मिला ही नहीं क्रेडिट, तो ये क्लेम करने की कोशिश तो करेंगे भले इनके पास प्रूफ हो या नहीं, जो भी है वो उनकी प्रॉब्लम है, बट एज अ आप सोचिए आपने कंटेंट बनाया है तो आप क्लेम तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू। राहुल गुप्ता सर प्लीज आप पूछिए। राहुल गुप्ता सर actually I am on low bandwidth, so I uploaded the question on chat also, how to reach out to CIET for Diksha. Okay sir, state authorities के लिए आपने बताया जैसे। हाँ सर, पहला option हमेशा रहेगा कि अगर state में आप state को ही call करें, state तक ही reach करें, SCRT से या जो भी उस tenant को manage कर रहे हैं उनसे आप reach out कर सकते हैं, और दीक्षा में अगर CIT से डायरेक्ट अपलोड कराना है तो पहली बात एक रिसोर्स तो नहीं होगा, आप एक बंच ऑफ रिसोर्सेज कुछ बनाएंगे, तो आप वो हमें थ्रू CD या DVD भेज सकते हैं, यहाँ पे आप लेटर भेज सकते हैं या ईमेल के थ्रू सर को बोल सकते हैं, JD CID को लिख सकते हैं, फिर वो यहाँ के प्रोसेस से गुजरेगा, उसके बाद ही वो आगे आएगा। ठीक है सर, अभी गुलशन सर आपका कोई प्रश्न है? गुलशन सर पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, बोलिए। हाँ जी मैम, वो एक लिंक के बारे में बोल रहे थे ना, प्लीज वो शेयर कर दें जिसमें कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे करूंगी, यहाँ चैट पे आपका मिस हो जाएगा, व्हाट्सएप पे एक बार कर दूंगी, आप लोग अपना कॉपी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। संजय सर आपका कोई सवाल है? मैम जो आपने लिंक भेजा है अपलोड करने के लिए, हाँ? उसमें हमें लिंक ऐड करने हैं और वीडियो अलग अलग कैसे उसको हम... लिंक नहीं ऐड करने है सर, उसके अंदर जैसे हम ईमेल में फाइल अपलोड करते हैं बिल्कुल वैसे ही फाइल अपलोड करनी है अपने। जैसे मैम अभी हमें लैंग्वेज में सीखा है उसमें सिर्फ उन्होंने लिंक हमें बता दिया कि ये लिंक शेयर करेंगे, तो सर उस केस में आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इमेज बना के अपलोड कर दीजिए ना जो आप बनाएंगे तो। ओके थैंक यू। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, आप सभी के लिए टाइम हो गया, सब लोग पूछ भी रहे हैं कि हम लोग छोड़ सकते हैं क्या, तो असाइनमेंट पोस्ट कर दिया है, वो जो OER वाली चीज है वो मैं आज एक लिंक पोस्ट कर दूंगी, आप लोग प्लीज केयरफुली कॉपी कर लेना, नहीं तो गूगल जब व्हाट्सएप पे ग्रुप मीडिया में जा करके आपको सारी चीजें मिल जाती है, मान लीजिए आपको नहीं भी दिख रहा है ग्रुप मीडिया में लिंक्स में जाएंगे तो आपको सारे लिंक्स मिल जाते हैं,
तो आप थोड़ा सा केयरफुली खुद भी ढूंढें, क्योंकि एक ही चीज को हम बार बार करने में हमारा भी बहुत एनर्जी और टाइम कहीं ना कहीं जाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ जितना सपोर्ट कर सकूं मैं कर देती हूँ। एनीवेज दिस इज इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड कल प्लीज आप लोग टाइम पर जुड़ जाएं। कल का जो सेशन है वो मतलब मैं सभी को एक्चुअली अच्छा कह देती हूँ शायद, पर कल का जो सेशन है जो हमने अभी तक सीखा है उसको क्लासरूम में कैसे यूज करना है उसके ऊपर है, which is going to be a very useful session also. और कल थोड़ा सा आप लोग active रहे, state action plan बनना है। मैं आज आपके साथ state action plan के लिए एक document सोच रही हूँ, मैं आज ही share कर दूंगी, तो आप लोग कल थोड़ा सा prepared होंगे जब आप उसे बनाने लगेंगे। ये मेरा concern था, वो भी मैं WhatsApp पे एक डाल दूंगी कि क्या हम criteria सोच रहे हैं कि किस तरह से आप action plan बना सकते हैं। कल एक बार आपको explain भी कर दूंगी so that आप लोग उसे use कर पाएं और अपना एक्शन प्लान बना सके। दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट मैम।